के पश्चिम मेदिनीपुर के घाटल सब डिवीजन का बड़ा हिस्सा बाढ़ में डूब गया और पिछले 2-3 दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से झूमी नदियां उफान पर बह रही है, जिसने खतरे को और बढ़ा दिया। बाढ़ की वजह से नदी पर बने 12 लकड़ी के पुल टूट चुके हैं, जिससे लोग फंस गए हैं। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के घाटल सब डिवीजन का बड़ा हिस्सा बाढ़ में डूब गया है और पिछले 2-3 दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से झूमी नदी उफान पर बह रही है, जिसने खतरे को और ज्यादा बढ़ा दिया है। बाढ़ की वजह से नदी पर बने 12 लकड़ी के पुल टूट चुके हैं, जिससे लोग फंस गए हैं। 2-3 দিনে যে ছোট ছোট করে বৃষ্টি হয়েছিল, এটা এতটা ভাঙার কথা আমাদের ভাবনা ছিল। চাষিবাসি চাষ করছে, সবকিছু ঠিকই ছিল, কিন্তু হঠাৎ করে উপরে যে বৃষ্টি হয়েছে সেই খবরটা আমাদের কাছে ছিল না। হঠাৎ করে উপরে যে বৃষ্টি, তারপরে মাঠের জল তো বা হচ্ছে উপরে যে বৃষ্টিটা জলটা হঠাৎ করে কালকে রাতে যে বেড়েছে, সেই রাতে জল বাড়া এবং পানার চাপে পুলগুলো সব নষ্ট হয়ে গেছে। इलाके में आई बाढ़ ने लोगों की जिंदगी को थाम दिया है। लोग सिर्फ नाव के सहारे ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लोगों का कहना है कि मनसुखा गांव में लगभग 5,000 परिवार इस समय खतरे में हैं। वहीं घाटल इलाके में लगभग 15,000 और परिवार बाढ़ की वजह से मुश्किलों से जूझ रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक सड़कों समेत सब कुछ पानी में डूब चुका है, जिससे रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। Movement of the persons between two sides of river are hampered. They are now moving with boats, and we are kept close vigil for all the persons. We ensure their safety and security. We should use life jackets and strong type of boat, and the passenger limitation should be done by administration. लोगों को उम्मीद है कि प्रशासन बाढ़ में फंसे लोगों तक जल्द से जल्द जरूर राहत पहुंचाएगा और मुश्किल की इस घड़ी में उनकी मदद करेगा।